पहले हम बात करेंगे यूके 07 राइडर के बारे में। आपको पता है यूके 07 राइडर डेली ब्लॉग करता है, फिर पिछले एक महीने से कोई ब्लॉग नहीं आया, फिर इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किया, बहुत बड़ा एक्सपोस्ट वीडियो आ रहा है। वो कहा विल लिवेल द बिगेस्ट एक्सपोस्ट वीडियो सिंस ए लॉट ऑफ टाइम ए लॉट वॉज हैपिंग एंड वॉज नॉट पोस्टिंग द ब्लॉग्स एनी अपडेट्स। आई वेंट थ्रो ए लॉट ऑफ थिंग्स पेन प्रॉब्लम्स। वीडियो ड्रॉप करते हैं जल्दी। लक्ष्य चौधरी का जो वीडियो आने वाला है वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल वीडियो है। वो पोस्ट करके बताए नेक्स्ट वीडियो इतनी कंट्रोवर्शियल है कि स्क्रिप्ट लिखते लिखते ही खुद को बिहाइंड द बार्स इमेजिन कर लिया मैंने। क्या पुनीत सुपरस्टार ने एक्सपोज कर दिया थाराभाई जोगिंदर को? पुनीत सुपरस्टार थाराभाई जोगिंदर पहले से अच्छा दोस्त थे, फिर पुनीत सुपरस्टार ने वीडियो पोस्ट किया। अब देखे बेटा थाराभाई जोगिंदर, जो तूने ये लड़कियों से लूटपाट का धंधा मचा रखा है ना, पुनीत सुपरस्टार तेरा पर्दाफाश करेगा। सवेरे एक एक मीडिया बुलाऊंगा, एक एक न्यूज चैनल को बुलाऊंगा, तेरी हरकत बताऊंगा। तुझे मैं भाई मानता था और तुझे मैं भाई समझता था। तूने मुंबई की लड़की से, तूने करोड़पति खानदान की इन्फ्लुएंसर को लूटने की कोशिश करी, उससे पैसा लूटा, उसके पैसा लूटकर अपने प्यार के जाल में फंसाकर नई गाड़ी लेकर आया और अपना तूने घर बनवाया, और अब तू उसका काट रहा है कि मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा। बेटा सुन, शादी तू क्या, तेरा तो बाप भी करेगा। और मेरी बात सुन, तू उस लड़की से माफी मांगेगा और उसका सारा पैसा वापस ही करेगा, और या फिर उससे शादी करेगा। तेरे को छोड़ूंगा नहीं, और मैं उस लड़की को भी एक्सपोज कर रहा हूँ और साले तुझे भी एक्सपोज कर रहा हूँ। उखाड़ ले मेरा जो उखाड़ना है तुझे, समझ गया? सवेरे मीडिया लेके आऊंगा तेरे घर पे, ध्यान रख। राधिका मर्चेंट को आप लोग जानते हैं, आनंद अंबानी का वाइफ है। उसके बर्थडे में धोनी गए थे और वहाँ पे औरी का साथ फोटो सोशल मीडिया पे शेयर करी, फिर लोगों से हेट मिला क्योंकि रतन टाटा डेथ पे एक पोस्ट नहीं करा, इसलिए लोगों ने हेट दिया। और कुछ लोगों ने बोला पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैक्सन क्या बोला देखिए। किसी बंदे बायोपिक बन रही है, विच इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उसे बायोपिक कैसे बना सकते? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। जब मैंने MS धोनी को मतलब ही बोला था, पैसे का लालची बोला था, सब लोग मेरे पीछे टूट गए थे। भाई देखो, मैं जो बोलता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, MS धोनी इज अ गुड पर्सन, बट उतना भी गुड नहीं कि भाई तुम भगवान बना दो उसे। उसे पैसे मिले तो भाई वो बीड़ी गुटका सब प्रमोट करेगा भाई। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, नादिम खान के बारे में। उन्होंने रिप्लाई दे दिया लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग को। आपको पता है सलमान खान का काफी ज्यादा थ्रेट्स मिल रहा है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, क्योंकि सलमान खान काला हरिन मारा था, इसलिए लॉरेंस का कहना बिश्नोई फैमिली से माफी मांगने पड़ेगी फिर माफ कर देगा। उसके ऊपर नादिम खान एक पॉडकास्ट में बोला क्यों माफी मांगेंगे, उस लिए जो सजा होता है वो तो मिल गया। महाराष्ट्र के CM ने बोला बिश्नोई के गैंग और अंडरवर्ल्ड के गैंग हो, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ऑल्सो सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी आले लॉरेंस बिश्नोई का नंबर मांगे, उसके साथ कुछ बात करना चाहते है। इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा दिस इज ए डायरेक्ट मैसेज टू लॉरेंस बिश्नोई, नमस्ते लॉरेंस भाई, सुना भी है और देखा भी कि आप जेल से भी जूम कॉल्स कर रहे हो, तो मुझे आपसे कुछ बात करने हैं, कृपया करके मुझे बताएं यह कैसे हो सकता है। हमारी पूरी दुनिया में सबसे पसंद की जगह राजस्थान है, हम आपके मंदिर आना चाहते हैं पूजा के लिए, पर पहले आपसे जूम कॉल हो जाए और कुछ बताते हैं पूजा के बाद, फिर यकीन मानिए कि आपके फायदे की बताते हैं, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, बड़ा एहसान होगा आपका, शुक्रिया। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, कुछ लड़की ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं लड़की ने सब क्लीन सेव करे, वियर्ड ना रखे। ये प्रोटेस्ट इंदौर में हुआ, आप क्लिप देखिए, आपका क्या राय है कमेंट में बोलिए। नेक्स्ट अपडेट है मनोज दे के बारे में। मनोज दे हेटर्स को कुछ रिप्लाई दिया, क्या रिप्लाई दिया देखिए। जिनका औकात अपना चड्डी खरीदने का नहीं है, जो साला अपने बाप के पैसे में दम पे उड़ रहा है वो करता है बैड कमेंट। जो भी बैड कमेंट आता है उसका प्रोफाइल खोल करके देखना, एक नंबर का बकलोल आपको दिखेगा, एक नंबर का गंवार दिखेगा, जो कुछ कर ही नहीं पा रहा अपने लाइफ में, ठीक है। और उसको हो रहा है अंदर से जलन। अभी मैं फॉर्चुनर पकड़ के रील बना रहा हूँ, तो क्या फॉर्चुनर ऐसी आ गया कि रात दिन एक करके पसीना पोंछ के मैंने फॉर्चुनर लिया? तो मतलब ये है कि बैड कमेंट वही करता है जो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा, जो अपने बाप के कंधे में अभी भी
बोझ बना हुआ है। तो बैड कमेंट करने वालों को मेरा यही है कि बाप के कंधे में बोझ मत बनो और किसी सक्सेसफुल इंसान से जलो नहीं और उसे सीखो और लाइफ में कुछ ऐसा डिसाइड करो कि भाई कुछ अच्छा करना है ना। जलने से कोई फायदा नहीं, जल के मेरा क्या कर लोगे, कुछ तो उखाड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, कमेंट ही कर पाओगे, करो, मेरे पास समय थोड़ी है कि आपका कमेंट में रीड करता हूं। भाई खुद का औकात देख खुद का औकात देख, ठीक है। और घोड़ों की रेस में ही घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा मैं खुद बना हूं, ठीक है। हां गधा एक टाइम था, घोड़ा खुद से बना मेहनत के दम से, और घोड़ा ही घोड़े की रेस में दौड़ रहा है। अगर तुम्हारे बस की बात है तो तुम इस रेस में दौड़ के देखो, तुम 7 मिलियन सब्सक्राइबर करके दिखाओ, तुम अपने औकात में अपने पैसे पे अपने मेहनत के दम पे फॉर्च्यूनर खरीद के देखो, फिर मैं बोलूंगा कि हां मैं गधा हूं और घोड़े की रेस में दौड़ रहा हूं। चलिए नेक्स्ट अपडेट है एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में। गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को एक टैंक के अंदर लॉक कर दिया क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के घर पर आई, फिर पेरेंट्स से छुपाने के लिए करना पड़ा। आप लोग मत करो ये सब, ठीक है। और छोटा सा वीडियो क्लिप भी देखिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं। कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में सार्वजनिक रन करी, 6 में ऑल आउट हो गई। ऐसे कौन टीम खेलता है भाई, और इंडिया ने एक रिकॉर्ड भी करी, लोएस्ट रन टेस्ट मैच एट होम ग्राउंड। मर जाओ यार। और 4 प्लेयर ने तो 0 रन भी करी, विराट कोहली, सरफराज खान, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा। और चोकली फैंस खुश हो गए क्या, लंदन चले जाओ यार, कुछ नहीं होगा। सारी उम्र में जो कर जा बड़े आ रहा।